मेरी बच्ची क्लास 9C में कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ने जाती है। एक महिला होगी वो जींस टॉप पहने हुए थी, बच्ची स्कूल परिसर के अंदर गई, उसने हाथ पकड़ के बच्ची को साइकिल स्टैंड की तरफ भेजा। साइकिल स्टैंड की तरफ बच्ची से बोली, मैं आपका अपहरण 3-4 दिन के अंदर अपहरण कर लूँगी। अपहरण करने के बाद बच्ची ने उसका मुँह पे कपड़ा बांधे हुए थे, बच्ची ने कपड़ा खोलने की पुलिस के धक्का दे के 4-5 दिन से वो पीछा कर रही थी बच्ची का। स्कूल से छुट्टी होती थी ऑटो में, ऑटो की एक्टिवा गाड़ी है उसको सफ़ेद कलर की, पीछे की नंबर प्लेट है, आगे नंबर प्लेट उस पर नहीं है। तो बच्ची पटे के ऊपर बैठ के जाती है स्कूल पे, बच्चे ज़्यादा ऑटो में पटे के ऊपर, तो उसने आगे का नंबर देख नहीं पा रही थी वो। तो वो पुलिस चौकी को हमारा ऑटो वाला उतार कर पुलिस चौकी के सामने हमारा मत, तो वो जैसे ही बच्ची डरी हुई थी तो वो बोली, पापा मैंने कि स्कूल में क्यों नहीं बताया आपने अपनी मैडम को। बोले पापा मेरे को ये लग रहा था मैडम डांटे नहीं है। तो उसने आगे अपने बताया कि सोमवार का दिन था, 10/7/2017 की घटना है, सुबह 10:16 की स्कूल परिसर के अंदर वो खींच के ले गए ऑटो के पीछे, 3-4 दिन से पीछा कर रही थी वो, 7-8 तारीख। इसके बाद बच्ची डरी हुई आई तो मैंने 12 तारीख को आवेदन दिया एक थाने के अंदर, इंदरगंज थाना लगता है, इंदरगंज थाने में एक क्राइम ब्रांच में दिया, एक मैंने एसपी ऑफिस को दिया। आज मैं जनसुनवाई में आया हुआ हूँ, मंगलवार है, जनसुनवाई को मैंने आवेदन दिया, उन्होंने कहा बच्ची को लेकर के आइए। अच्छा, आप स्कूल प्रशासन ने क्या कहा? स्कूल प्रशासन ने ये बोला कि आपको मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, बच्ची उसमें स्कूल में एंटर कर रही है, उनकी लाइट चली गई 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद बच्ची उधर से जो धक्का देकर उधर से जब आई है उसने धक्का दिया, फिर भी उधर से आती नहीं दिख रही है। स्कूल परिसर वाले बोले आपको जो करना है वो कर लो, मैं कोई आवेदन आपका नहीं है। अंदर परिसर की घटना है, परिसर की घटना।